2018 की बात है जब हम लोग मैं विदेश में काफ़ी साल नौकरी किया, मैं रांची से ही पढ़ा, बीएड मिश्रा से इंजीनियरिंग किया, और यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ। जैसे मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एक जगह शॉप में खड़े थे और लोग बातचीत कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर विकास तब तक नहीं हो सकता जब यहाँ के पढ़े लिखे लोग, देखिए 12th तक यहाँ बहुत लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, IIT जाते हैं, अच्छे रैंक्स लाते हैं, IIM जाते हैं, मैं खुद भी IIM से पढ़ा, लेकिन वो सब जाकर के फिर विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्व करते हैं जबकि हमारा राज्य अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये बात मुझे छू गई और मेरे अपने को फाउंडर, मेरे पार्टनर जो कॉलेज मेरे फ्रेंड थे BIT के, मैंने उनको कहा कि हम लोग मिल करके यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग का स्कोप मैंने देखा क्योंकि काफ़ी फूड मटेरियल वेस्ट होता है और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अच्छा है बाकी स्टेटों के मुकाबले। तो हम लोग एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी की स्थापना की शुरुआत की। डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस रहा उस वक्त, सपोर्ट काफ़ी कम था, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है, फाइनेंस की दिक्कतें हैं, पर हमने जैसे अपने कॉर्पोरेट लाइफ 11 साल में सीखा था उसको पूरा इंप्लीमेंट किया। ये कि यहाँ पर सबसे पहले मार्केट बनाएं, एक छोटे लेवल पर शुरुआत करें, तो हमने 5 लीटर से शुरुआत किया और मिल्क इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मिल्क एक नेसेसरी आइटम है और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमने यहीं बनाई। तो यहीं के कॉलेज के लड़कों को हमने साथ में लिया, उनको इंटर्नशिप दिया और वो पूरा प्रोडक्ट जो हमारा ऐप सिस्टम है वो बनाया जिससे कि कस्टमर्स को सुविधा भी मिले और अच्छी हम लोग डिलीवरी भी कर पाएँ। तो ये हमने 2019 में प्योरेस्ट डेली कंपनी की स्थापना की और काफ़ी रिसर्च किया, कुछ लोगों से मिला, लोग यहाँ प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट के लिए अच्छा दाम देने के लिए रेडी हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस बने। और हमने फिर फार्म की इस्टेब्लिश की जबकि डेयरी का मुझे डी भी नहीं आता था, तो हमने खुद फार्म में 3 महीने काम किया, एज अ ग्वाला काम किया, समझा उस प्रोसेस को क्या है और साथ साथ अपने अगल बगल फार्म को भी जोड़ा। और ये हमने फिर प्रोडक्ट ग्लास बॉटल में लेकर के आए और सीधे होम डिलीवरी कस्टमर के घर तक दिया ताकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहे और हमें अच्छा दाम भी मिले। 60 रुपीज़ मिल्क में मुझे बहुत डिस्करेज मिला, बोले कोई नहीं देगा इतना पैसा, ऐसा रेट में कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी जब देना स्टार्ट किया तो हम 5 से 50, 50 से 500 और आज हम लोग 1000 लीटर और का होम डिलीवरी करते हैं। साथ ही साथ पूरे प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, घी, रबड़ी और उसके साथ साथ ऐप में हमारे मशरूम, हनी और जैम और सॉस, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हम लोग बनाना शुरू करके सीधे डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचा और साथ साथ रांची के जितने प्रीमियम होटल हैं, इनफैक्ट जिस होटल में हम लोग खड़े हैं बीना होटल में, यहाँ की पूरी सप्लाईज हमारी है, रेडिसन होटल और जड़े बड़े बड़े जितने रेस्टोरेंट्स हैं जिनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए वहाँ पर हम लोग सप्लाई स्टार्ट किया और इस तरह से हमने मार्केट बनाया। और फिर झारखंड के अलग अलग जगह पर भी जा करके हमने सोर्सिंग और ये सब शुरुआत की। मेन चीज़ था कि रोज़गार क्रिएट करना। आज के समय जैसे कि हमारे कंपनी में 30 डिलीवरी बॉय हैं, वो सुबह 6 से 9 में डिलीवरी करते हैं, उनको भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है और साथ ही साथ कस्टमर्स को भी घर पे मिल जाने की सुविधा है। सबसे अच्छा हमारा कंपनी का ग्रोथ कोरोना के समय हुआ। कोरोना के समय जब बाकी बिजनेस ख़राब हो रहे थे उसी समय हमारा डिमांड काफ़ी बढ़ा क्योंकि हमारा ऐप था, गूगल पे लिस्टेड था, तो वो सारे कस्टमर्स हमारे कोई सिंगापुर से, कोई अमेरिका से डाउनलोड करता था और कहता था कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे रिलेटिव यहाँ फंसे हुए हैं, क्या आप उनके घर पर डिलीवरी कर सकते हैं। तो बाकी जहाँ बिज़नेस डूब रहे थे हमारे बिज़नेस 3 times, 4 times ग्रो किया और क्योंकि हम लोग कोविड के समय, और हमें कोविड वॉरियर का अवार्ड भी मिला क्योंकि हम लोग बिल्कुल कोविड फ्री डिलीवरी करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ऐप जो है डिलीवरी जैसे करता है तुरंत कस्टमर को एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट बाहर रखा है, तो उसे हाथ से छूने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप कोई नयापन ला करके, कोई नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और अच्छी सर्विस दे करके आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट खुद बना सकते हैं और आप अच्छे दाम ले सकते हैं और अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट में शुद्धता का उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी हाँ, पहले बात यह है कि जैसे हम बताएं कि कस्टमर से हम जुड़े हुए हैं, मेरे 1000 कस्टमर मेरे ऐप पे हैं, जो मोबाइल पे जैसे हमारा ऐप है मैं इसको दिखाऊंगा। तो कस्टमर से ऐप से जुड़े रहने से क्या होता है, उसको मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करके रिपोर्ट भेज पाता हूँ। अब डेली जो दूध की जो गुणवत्ता है वो उसको ऐप नोटिफिकेशन के जरिए आज का कितना फैट, SNF, क्या मिलावट है, क्या कुछ है, वो मार्क पी जाती है। सेकंड, कि हम लोग अपने कस्टमर्स को किट भी देते हैं, ओपन किट देते हैं कि आप अपने दूध की और बाकी प्रोडक्ट्स का ओपन जांच भी कर दें। साथ ही हम लोग बहुत अवेयरनेस क्रिएट किए, सो मीडिया का भी हमें सहयोग मिला, हम लोग भी बहुत सारे ब्लॉग्स नए तरीके लिखे जिसमें कि कस्टमर्स को जब भी कोई गुणवत्ता का चेक करना है, हम लोग कैनोपी स्टॉल लगाते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ जाकर के लाइव चेक करके दिखाते हैं कि देखिए आप जो दूध ले रहे थे उसमें देखिए ये मिलावट है, इसमें यूरिया मिला हुआ, इसमें ये हमारे में ये है, आप 5 दिन ट्राई कीजिए, ऑफर देखिए। इस तरह से हम लोग कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिए, उसके बाद मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर खुद ही अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव को रेफर करने लगता है और ये बताने लगता है। इस तरह से हम लोग किए। साथ ही साथ हम लोग सोर्स पे कंट्रोल किए, जो फार्म हमारे हैं वहाँ पर पूरा सिस्टम एक बनाए, पूरा एक हम लोग सेंसर डिवाइस बनाए जिसमें कि कोई मिलावट करने का कोई गुंजाइश ना कर पाए, कहीं भी वो तुरंत हमें खबर मिल जाता है और हर स्टेज पर गाय को क्या खिलाया जा रहा है, उसका हेल्थ कैसा है, दूध जब निकला तो उस वक्त क्या स्थिति था, जब वो पैकेजिंग हुआ तब क्या स्थिति था, तो वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिससे कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी हम लोग अपने कंपनी में रखते हैं जिससे कि कंपनी के कस्टमर्स को ये भरोसा दिलाता है। और देखिए सबसे बड़ा परिचायक तो उसका हेल्थ है, जब वो 3 महीने 4 महीने
जब खाता है प्रोडक्ट्स को, देखता है, यूज़ करता है, अपने बच्चों को देता है, वो हेल्थ बेनिफिट देखता है। इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट्स को तो बहुत सारे पेडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर वो भी रिकमेंड इसलिए करते हैं जिनको पेट में समस्या होती है, पाचन में समस्या होती है, कि आप प्योरेस्ट डेली का एक बार ट्राई करें। इस तरह से हमारा ब्रांड धीरे धीरे बना और आज लोग हम लोग भरोसा है। मार्केट में ऐसे ब्रांड है जो उसको किस तरह से आप लोग, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि आपसे अच्छे मतलब दूध ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। जी हाँ, तो उनसे कंपटीशन कैसे करेंगे? जी हाँ, देखिए दो सेगमेंट, जैसा कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि एक तो ब्रांडेड पाउच है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, है ना, अमूल, मेधा, सुधा, ये सब है। साथ ही साथ एक नीचे का सेगमेंट है जो कि ग्वाले हैं, ये सब है, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। तो हमने एक बीच का सेगमेंट बनाया। देखिए वो एक अच्छे, वो एक बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप याद करेंगे कि हम लोग बचपन में अपने पास में कोई ग्वाला जाता था वहाँ से अपने सामने मिल्क दुहा करके ले आते थे, ये चीज़ था। अभी वो संभव नहीं है क्योंकि शहरीकरण हो गया, अब आपको नहीं मिलेंगे। हमने वो कनेक्ट को बनाया, एक बीच का सेगमेंट बनाया, और वो एक सेगमेंट रांची में 10,000-15,000 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेश मिल्क जाते हैं। वो जो मिल्क है वो प्रोसेस मिल्क है, प्रोसेस प्रोडक्ट्स है, उसका एक अलग मार्केट है, वो जनता के लिए है, वो ठीक है। लेकिन हम लोग एक निश प्रीमियम सेगमेंट जो कि केमिकल फ्री चाहता है, प्रिजर्वेटिव फ्री चाहता है, फ्रेश चीज़ चाहता है, ये चीज़ का हमने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया और उन्हीं कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं।